सब लोग, आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो हमारा फॉर्म सबमिशन का पार्ट सेकंड चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे पार्ट सेकंड नहीं, आई थिंक पार्ट थर्ड चल रहा है, थर्ड चल रहा है, यस थर्ड चल रहा है। ये तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो इनपुट फिल ले, ओके। तो अब हमको सबमिट करना है फॉर्म, ओके। तो अब वो हम देखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे पहले हम एडजस्ट करके लेंगे कि ऊपर एक ही लाइन में हुआ है ना, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक देते हैं सो वो नीचे आ जाए। आप CSS भी यूज़ कर सकते हैं, वही मैं ज़्यादा CSS नहीं यूज़ करूँगी, इतना यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगी, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, राइट। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इट शुड कम बिलो, तो लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, एरर दिखा रहा है, ओके। सो देखेंगे क्या है, ओके। यहाँ पे हमको एरर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, निकालते हैं उसको, शायद क्लोजिंग टैग पोर्ट लेना पड़ेगा मुझे, ओके। अब हम देखेंगे, ओके, अब हमारा एरर गया है। देखो मैं अभी के लिए ऐसे यूज़ कर रही हूँ, आप प्योर CSS यूज़ करके, कॉलम वगैरह यूज़ करके कर रहे हैं। हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि फॉर्म सबमिट का से करने का, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे वो नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम एक क्लास नेम देते हैं और थोड़ा उसको गैप देते हैं दोनों में, राइट। क्लास नेम MY3 देते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे हो रहा है, तो इसमें थोड़ा गैप आना चाहिए, ओके। तो आ गए, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक हम लेबल भी दे देंगे अभी, ओके। तो लेबल, ओके, एंटो नेम, तो हमारा लेबल आना चाहिए। अब देखेंगे लेबल आ रहा है कि नहीं, ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे एंटर नेम आ गया हमारा, ओके। तो हम यहाँ पे थोड़ा कोलन देते हैं, ओके। तो ए लेबल एक हो गया, और एक लेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि लास्ट नेम के लिए भी एक लेबल चाहिए, राइट। एंटर लास्ट नेम, ओके, डन। और रिफ्रेश होने में थोड़ा मेरा PC टाइम ले रहा है, आपके यहाँ फास्ट भी हो सकता है, मेरा थोड़ा PC स्लो है, फास्ट भी हो जाएगा। आपका फास्ट रहा तो फास्ट भी हो जाएगा, ओके। तो हमने लेबल्स तो दो लिए, राइट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अभी हमको क्या करना है, फॉर्म सबमिट करना है, राइट। मतलब यहाँ पे हम जो कुछ एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर करें, यहाँ पे मैं कुछ भी सबमिट किए, तो मुझे सबमिट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कंसोल में मुझे दिखाना है वो सबमिट किया हुआ सब कुछ, मुझे कहाँ कंसोल में दिखाना है, तो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बटन लेती हूँ, एक बटन, ओके। तो यहाँ पे हम उसका टाइप सबमिट रहना चाहिए, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, टाइप सबमिट दिया, और यहाँ पे मुझे बटन का नाम तो देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं देती हूँ सबमिट, ओके, डन। तो ये मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसको भी नीचे देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ब्रेक देती हूँ, ओके। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमको सबमिट बटन आना चाहिए, सो आई थिंक आई नीड टू रिफ्रेश, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट बटन यहाँ पे आया और बाद में यहाँ पे आ गया, क्योंकि बाद में वो एक एक स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे मुझे ये क्लास नेम देना पड़ेगा ताकि वो नीचे आ जाए, राइट। क्लास नेम, तो अब हम देखेंगे वो थोड़ा नीचे आ गया, शायद थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करती हूँ मैं, तो मतलब देखो आ गया नीचे, राइट, ओके, आ गया। सो यहाँ पे हमारा सबमिट बटन हो गया, ओके। अभी सबमिट करने के बाद मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखने वाले, यहाँ पे लिखने वाले। जब हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे तब मुझे यहाँ पे कंसोल में दिखाऊंगी कि मैं क्या सबमिट कर रही हूँ, ओके। तो
वो हम देखेंगे अभी। तो सबमिट कर रहे, तो यहाँ पे मुझे फॉर्म, देखो मैंने फॉर्म लेना ही भूल गई मैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, फॉर्म लेना है ऑलरेडी, सॉरी मैंने फॉर्म लेना भूल गई, क्योंकि फॉर्म ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एंटर फॉर्म, इसको मैं क्या करती हूँ, नीचे लेती हूँ, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म क्लोज हो, यहाँ पे ऑन हो, यहाँ पे क्लोज हो। तो इसको हमको क्या करना है कि इस फॉर्म में हमारा जो कुछ आएगा ना सबमिट फंक्शन, वो आएगा हमारा फॉर्म में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अभी ऑन सबमिट, ओके ऑन सबमिट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको एक ऑन सबमिट फंक्शन लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे कैसे लिखना है हैंडल चेंज नेम लास्ट नेम, वैसे ही हमको ऑन सबमिट को भी फंक्शन वर्क होगा। देखो यहाँ पे हमने लास्ट चेंज एक फंक्शन लिखा है, सेम वैसे ही हमको यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है जिसका हमको यहाँ पे नाम देना है। तो मैं देती हूँ यहाँ पे हैंडल सबमिट करके नाम देती हूँ, राइट, तो ईजिली समझ में आ जाएगा, हैंडल सबमिट, ओके। तो मैंने यहाँ पे दिया, अभी इसका फंक्शन नहीं है मतलब वो एरर दिखाएगा ही दिखाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन सबमिट इज अ लिसनर एक्सेप्टेड, तो नहीं दिखा रहा है, राइट, एरर दिखा रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल सबमिट का फंक्शन लिखेंगे, हैंडल सबमिट, ओके हैंडल सबमिट, तो एरो फंक्शन ही हम लिख रहे हैं यहाँ पे भी। पीसी थोड़ा स्लो हो रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है, अदरवाइज इट विल वर्क फास्ट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉन्स्ट, क्योंकि नहीं तो एरर आएगा फिर से, राइट, तो मैं पहले ही ऑनली ऑलरेडी कॉन्स्ट ली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा हैंडल सबमिट यहाँ पे लिखा है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम सबमिट करते हैं तब वो यहाँ पे ऑन सबमिट में आ जाएगा, जब हम इसके ऊपर करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म में आ जाएगा, बाद में यहाँ पे हैंडल सबमिट क्या कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो गो एज ए इवेंट, तो ये भी एक इवेंट करके ही जाएगा। तो इसी सेम हमने यहाँ पे कैसे लिया है ना, यहाँ पे इवेंट करके आ रहा है, जो कुछ चेंज होगा तो इससे जब हैंडल चेंज में आ रहा है फिर से वो वर्क हो रहा है, सेम यहाँ पे भी वैसे होगा, जो कुछ हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वो सबमिट हो जाएगा। तो अब मैं, मेरे पास बैक एंड तो नहीं है अभी, राइट, तो मैं क्या करती हूँ कंसोल में ही आपको दिखाती हूँ वो कि वो कैसे वर्क होगा, ओके। तो कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे हम लेते हैं, ओके। तो मुझे क्या करके लेना है, फर्स्ट नेम करके लेना है, तो यफ नेम करती हूँ मैं कोलन, तो क्या देना है मुझे, फर्स्ट नेम देना है, राइट, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, नेम आएगा, ओके। देन मुझे देना है लास्ट नेम, तो मुझे कॉमा, सॉरी कॉमा दे के यल नेम करती हूँ, समझ ले लो कि यल नेम इज नथिंग बट लास्ट नेम। और यहाँ पे मैं देती हूँ एक कॉपी करते हो, जो ये हम वैल्यू में देते हैं ना वही हमको यहाँ पे लेना है, ओके। तो ये हमारा लास्ट नेम आ गया, ओके। तो अब हम देखेंगे सबमिट करने के बाद क्या होता है, वर्क होता है कि नहीं, कंसोल में आता है कि नहीं, वो हम देखेंगे, ओके। तो अब देख सकते हैं कि हमारा एरर तो गया है पूरा, इसको मैं फिर से रन करती हूँ, ओके। तो एरर तो नहीं है अभी हमारे पास, राइट, तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लिखती हूँ मेरा नाम, लिखती हूँ कि मैं सुनीता, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं पाटिल करके, ओके। तो अब मैं इसको सबमिट करूँगी, तो देखो यहाँ पे आया हमारा, लेकिन वो क्या हुआ, एक एक सेकंड के लिए और हो गया, मैं और एक बार आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, कंसोल में ध्यान दे दो, प्लीज़ कंसोल में ध्यान दे दो, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए आता है और जाता है, ओके। मैं सबमिट करूँ, अब कंसोल में ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यफ नेम आया और गया, ओके। क्यों आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सबमिट फंक्शन दिया है। तो सबमिट फंक्शन क्या करता है, जब हम सबमिट करते हैं ना तब हमारा जो स्टेट रहता है ना उसको क्लियर करता है, वहाँ पे वो सेव नहीं करेगा, वहाँ पे वो दिखाएगा नहीं, क्लियर हो जाएगा जब हम सबमिट करते हैं तब, तो नहीं होना चाहिए करके हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लेना है प्रिवेंट, तो हम प्रिवेंट यूज़ करते हैं, राइट, तो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू वहीं पर ही रखेगा,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, मतलब वो क्लियर नहीं होने देगा, वहीं पे रखेगा। तो यहाँ पे हमको लेना है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का काम वही है कि वो वहीं पे रखेगा, उसको क्लियर नहीं होने देगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो अब हम देखेंगे, अब वो क्लियर नहीं होना चाहिए, इनपुट फील्ड में से भी क्लियर नहीं होना चाहिए। ओके तो अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी है मेरा नाम और यहाँ पे भी मुझे कंसोल में भी दिख रहा है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिवेंट यूज़ करके कैसे काम किया इसने। यहाँ पे क्लियर होने नहीं दिया उसको, वहीं पे डिफॉल्ट वहाँ पे रखा उसने। तो यहाँ पे तो सबमिट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। ओके तो ऐसे सबमिट कैसे रहता है कि अभी हम यहाँ पे कंसोल में दिखा रहे हैं, लेकिन रियल टाइम में कैसे रहता है कि हम उसको डेटाबेस में बैकएंड यूज़ करके उसको डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। ओके तो वो भी हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। अभी के लिए आप समझो कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसको कैसे सबमिट करते हैं। ओके तो आई होप मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर बोला है कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट बना सकते हैं, उसको सबमिट कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ सबमिट फंक्शन और व्हाट इज़ ई डॉट प्रिवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, देन सबमिट कैसे वर्क होता है, यहाँ पे कैसे आता है। तो आई होप मैंने क्लियरली बोला होगा। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का भी रिक्वेस्ट आया था कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आई होप उसको यूज़ हो जाए और आप सबको भी यूज़ हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।